सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये लीगल नोटिस है आपको घर वापस ले जाने के लिए। मुझे नहीं जाना है। व्हाट्स द रियल स्टोरी, हिज फैमिली? नो। ही इज हैविंग एन अफेयर? नो। यू आर हैविंग एन अफेयर? नो। सो जस्ट वन स्लैप देन? जस्ट अ स्लैप, पर नहीं मार सकता। फोड़ दिया मैंने आज। यू हैव बीन देयर। घर तक के लिए वेट तो कर लो। मैं स्लीपी हूँ। मैं तो बिल्कुल स्लीपी नहीं हूँ। उसको विश्वास नहीं था कि कंपनी चला सकता है, समझा? यार शिट हैपेंस, होता है। Move people, move on. तुम्हें कंपनी में इतने इमोशनली इन्वेस्टेड थे, you could not move on. मैंने तो अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है तुम्हारे साथ, कैसे मूव ऑन करूं? आई डोंट लव यू। बस यही सुनना रह गया था, बेटी डाइवोर्स करेगी। जाने दे बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना चाहिए औरतों को। हर रिश्ता फ्लॉड होता है, उसे जोड़ के रखना पड़ता है। जोड़ के रखनी पड़े कोई चीज तो मतलब टूटी हुई है ना। दीदी कल उसने फेर मारी, पर कल है ना, मैंने सोची किसी दिन इसने अंदर तक कुंडी लगा ली तो तू कहाँ जाएगी। रिश्ते बनाने में उतनी एफर्ट नहीं लगती जितना निभाने में लगती है। क्या करूँ, हो गया ना। ज्यादा जरूरी सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? You should give him a chance. Imagine how embarrassed he already is. सबसे ज्यादा नुकसान अम्मू का है, इसके ऊपर डिवोर्स का टैग लगेगा। गलत तो नहीं कर रहे ना? हम तो हमेशा सही सोच के करते हैं बेटा, और कई बार सही करने का रिजल्ट हैप्पी नहीं होता। When you're truly in love, थोड़ी बहुत मारपीट तो expression of love ही है ना सर? We have eyewitness testimony कि उस रात पार्टी में कोई violent act commit नहीं किया था। अगली petition में ये भी लिखवा देना कि मैं शराबी, पागल और manic depressive हूँ, क्योंकि अभी incomplete लग रही है। You still want to play fair? उसने मुझे मारा, पहली बार, नहीं मार सकता, बस इतनी सी बात है, और मेरी petition भी इतनी सी है। पता उस थप्पड़ से क्या हुआ? उस एक थप्पड़ से ना मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखने लग गई जिसको मैं अनदेखा करके मूव ऑन करती जा रही थी।